खिलाफ असी मुजाहरा कर रहे हैं। उसके नाल नाल सानू सरकारां दी जिहड़े COVID-19 लैके हदायतां ने उस दा ही पालना कर। देश दे विच तुसीं देखे ही है कि किस तरीके नाल लॉकडाउन तौर पर मिडल क्लास जिहड़े साडे लोग ने उन्हां नूं मुद्दे नज़र रखते हुए, देश की जनता को मुद्दे नज़र रखते हुए पेट्रोल डीजल के जिहड़े भाव की सरकार के खिलाफ ये धरना ला रहे हैं। महंगाई की मार लोगों को सही नहीं, क्योंकि जो साहर घर के डीजल की जरूरत होती है। इस करके अब तो फायदा चाहता कि इन्हों की खामियां इन्हों नाकामियां होर भी जड़े इन्हों के गैस के रेट कल्याण वास्ते सबू होर भी प्रोटेस्ट करने चाहिए तो असं जरूर करा। इन्हें चंदा थोड़े तो इजाजत देना। नैशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नैशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 सुनील गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद दिल्ली का रास्ता सागे भगवान पाते ने जिन्होंने पाते जो इसकी जनता वास्ते गरीब लोगों वास्ते पाते आज के प्रदर्शन में से पार्टिसिपेट कर। ठीक है, ओके सर, ठीक। वेखो अज बड़ी ये मंदभागी गल है कि जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट आ वो पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां दे विच अथाह वाधा कर रही है, क्योंकि हर रोज़ ही जदों सवेरे कोई सुता उठता है तो उहदे विच वाधा पेट्रोल डीजल दे विच होया हुंदा। सो अज लगातार वाधा करते हुए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ता, हिस्टरी क्रिएट करती कि जिहड़े पेट्रोल तो डीजल महंगा करता, और अज 80 रुपए कुछ पैसे डीजल पहुँच गया तो पेट्रोल जिहड़ा उहदे तो थले करता। और ये पिछे एक बड़ी सोची समझी इन्हां दी साजिश है, क्योंकि ये किसानी नूं ते वपारियां नूं मारना चाहुंदे आ, क्योंकि जदों अज सीजन है लोगों नूं फसल लाउण दा, तो जो फसल लाने की गल आती है उदों असी डीजल की कीमत बढ़ा दें, जो फसल लग जाएंगे उदों 2-4 रुपए घटा देंगे। इन्हों का एक बड़ा वधिया एक इन्हें ड्रमैटिक वे दे नाल 10 रुपए वधाउंदे ने, 2 रुपए घटा देंगे ने, 8 रुपए वधाउंदे ने, 3 रुपए घटा देंगे ने, और लोगों को यह लगता भी 8 वधिया सी 3 घट गया गां फिर घट जू, पर उस तो बाद फिर ये जंप करते हैं। अज करते करते 80 रुपए कुछ पैसे तो डीजल पेट्रोल चल गया, और इन्हां दे मिनिस्टर कह रहे हैं कि 100 का अंकड़ा जिहड़ा पार करेगा। मैनू तो लगता इन्होंने इंडिया नू साडे मुल्क नू जिहड़े 3-4 घराने आ उन्हां नू इन्होंने गिरवी दे चुके आ, और ये एज ए कारपोरेट अधिकारी बन के साडे प्राइम मिनिस्टर साहब और उन्होंने अधिकारी जिहड़े वजीर साहबान ने वो एक कारपोरेट अधिकारियों के बतौर साडे मुल्क की अगवाई कर रहे हैं। सो बड़ी मंदभागी गल अज कित्थे ने इन्हां दे वजीर जिहड़े गलां च कद्दू पा के ते सिरां दे सिलंडर चक के ते बड़ा विरोध करदे सी कि लोग खत्म हो गए जी हिंदुस्तान दे विच, क्योंकि उस समय दे विच कच्चे तेल की कीमत 108-116 रुपए डॉलर पर बैरल तक चली गई सी, पर पेट्रोल डीजल की कीमत इत्थे नहीं सी पहुँची। उस समय ते भी पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं वधाई कांग्रेस ने, अज पेट्रोल डीजल की कीमत कच्चे तेल की 42-43 रुपए ते आ गई, पर अज की असी इन्हां नूं बिल्ली छिक गई कि जिहड़ी इन्हां ने रेट 80 रुपए तो पार करता पेट्रोल डीजल का। सो ये गल्लां इत्थों पता लगता कि किन्ने क सिंसीयर ने अपने मुल्क दे नाल, किन्ने क सिंसीयर पॉलिटिशियंस ने उस समय इन्हां झूठ बोल के सरकार बनाई, अज क्यों पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं घटाउंदे। सो इस गल का असी अज मैमोरेंडम राष्ट्रपति साहब नूं थ्रू DC साहब भेज रहे हैं, और आने वाले समय के डट के असी विरोध करांगे। इस तों इलावा मैं ये गल कहण च बिल्कुल ग्रेज नहीं करता, क्योंकि जिहड़ी साडी एक मुल्क की सरमाया कह लो एयर इंडिया, की गल अज एयर इंडिया क्यों वेच रहे हैं, की गल अज BSNL क्यों वेच रहे हैं, क्यों प्राइवेट कंपनियां दे विच जिहड़ा उन्हां नूं प्रॉफिट च लियाया जा रहा, और जिहड़ी BSNL है सरकारी कंपनियां ने वो फेल क्यों हो रही हैं, एयर इंडिया क्यों फेल कर रहे हैं। सो इन्हां चीज़ों का डट के विरोध करांगे। ट्रेना जिहड़ी उन्हां दी पहली बार सुनवाई आया साडे सुन च कि उन्हां दी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सो अज एयरपोर्ट वेचे जा रहे हैं, फिर रह की गया ये, फिर कुछ होर अनपढ़ बंदे नूं भी एज ए प्राइम मिनिस्टर कहो तो कुर्सी से बह जा भाई, वेच के आपका घर चलाई जा तो कोई भी चला लेगा। इन्हां दी क्रेडिबिलिटी कित्थे स्टैंड करदी, इन्हां ने की ऐसा हिंदुस्तान लई मारका मारिया पिछले 6-7 सालों के। सो इस गल का लोगों के भारी विरोध है,
सो आने वाले समय के सारिया चीज़ों पर बहुत डटवा विरोध किया जाऊगा। वो दिन न निकल गए कि लोग चुप करके सहन करते सी, अज सारी किसानी, अज सारे व्यापारी, अज आम जनता मर रही है। जिहड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज सी, कोई बांह खड़ी कर दे, कोई रेहड़ी वाला कर दे, कोई आम नागरिक कर दे, कोई किसान कर दे, कोई व्यापारी कर दे, कोई मध्य वर्ग के लोग कर दे जिन्हों कोई फायदा दिता हो, किसी को एक रुपया भी पहुँचा हो, सारा इन्हां दे जुमलेबाजी सी, वो लोगों के सामने हौली हौली आ रही है। सो आने वाले समय से इस तरह से डट के इन्हां चीज़ों का विरोध करांगे।